अरे आप लोग, पर आपने अनिता मैडम को नहीं बुलाया तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, एक तो पार्षदों को कुछ पता रहता नहीं है, सीधी सी बात, मैडम जो कहती है वैसे ही मान जाते हैं। आज तक की बात है, मैंने मतलब ये देख लो, मैंने कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं जब मैंने अपनी दक्षिण की विधायक इनको नहीं बुलाया हो। अगर ये ऐसा कहती हैं कि मुझे बुलाते नहीं है तो आज क्यों याद आई? सबसे बड़ी बात है, आज आपने आज क्यों विरोध करवाया? 3 साल हो चुके हैं ना मेरे को, 14 साल चल रहा है, जब से क्यों नहीं बोली आप कि मुझे बुलाते नहीं है, तो मैं क्यों नहीं बुलाऊंगी? ये तो सीधा सीधा झूठ बोल रही हैं और कुछ नहीं है। उनको फ़ोन भी करवाया था लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, किसी कार्यकर्ता को भेजा भी था, उनको भी इन्होंने अनशन बोल दिया, तो वो तो वापस आ गया। तो इससे ज़्यादा हम क्या करें बताओ? कितने दिन पहले आपने इनविटेशन दिया था उनको? देखो, अपनी कमीशन साहब ने दो कल थी ना, अपने इससे 2 दिन पहले ही फ़ोन करा था लेकिन फ़ोन उठाया नहीं था इन्होंने। और फिर परसों अपने जो पंडित जी त्रिपाठी जी, उन्होंने फ़ोन करा तो नहीं उठाया, फिर उन्होंने कार्यकर्ता को भेजा कि तू जा मैडम के पास, मेरी बात कराना, उसको अनशन बोला और जिनको वो भी वापस आपने आ गए। भेजा था तो कोई लिखित में, जैसा कुछ निमंत्रण पत्र वगैरह, कोई कार्ड नहीं, वगैरह उनको वो लेके भेजा था या के ऐसे ही? ऐसे ही, ऐसे? क्योंकि हाँ ये प्रोग्राम बहुत जल्दी में हुआ, जी क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी आ गई जी थी जी ना जी 15 अगस्त के बाद, जी तो 4-5 दिन बचे मुश्किल से, तो उसमें तैयारी भी सारा कुछ, तो मतलब किसी को भेजा नहीं हमने, मैंने कॉल पे ही फ़ोन कॉल करके ही सबको बोल दिया था। तो अब आप क्या कहना चाहोगे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आप पर आरोप लगाने के, भाई आप उनको नहीं बुलाते, इन्विटेशन नहीं देते हैं किसी भी चीज़ का? पार्षद का तो मैं आपको दिखा दूँ, पार्षद दल में अगर ये बोलते ना, तो आप, अभी मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का, दो तीन तीन बार मैसेज करवाती हूँ। अब अगर ये नहीं आना चाहे तो इसमें मैं इनको घर जाके तो बुलाने जाऊंगी नहीं कि नहीं तुम चलो आओ प्रोग्राम में। अपने दक्षिण के तो पार्षद कोई 2-4 गिने चुने आते हो, कोई नहीं आता, यही स्थिति है पार्षदों की। अब मैं मैसेज डलवा रही हूँ, फ़ोन करवा रही हूँ, उसके बाद भी नहीं आओ तो फिर अब इनकी मर्जी, नहीं आना चाहते हैं तो। लगता है आपको साजिश है? साजिश है या क्या है मैं तो नहीं जानती, है तो खुद ही जाने क्या है और क्या चाह रही है ये मेरे से। बीजेपी पार्षदों का हाँ, कहना है कि मैडम को 2 घंटे पहले फोन किया गया था। 2 घंटे पहले तो नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इन पार्षदों से पूछा, तुमको पता है कि 2 घंटे पहले फ़ोन किया? पार्षदों से पूछो आप जाके, जो जो बोल रही है, कि तुमको पता है कि 2 घंटे पहले फ़ोन किया, जिस तरह से बोल रहे हो। और कुछ पार्षद आपसे माफी मांग ले वापस? हाँ, मांग रहे हैं ना माफ़ी। मोहन लालवानी ने बोला कि मैं तो घर बैठा था, मुझे तो गाड़ी में मतलब बैठा के और ले गए कि चलना है। और ऐसे देवेंद्र शेखावत वो बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि विरोध करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इनको पार्षदों को भेजा है। मैंने तो पता, जिन्होंने बोला माफ़ी मांग रहे आके, मैंने कहा मेरे सामने माफ़ी मांगने से कोई मतलब नहीं है, तुमने कल जो मीडिया में करना था कर चुके हो। मैंने कहा मेरे सामने मत मांगो माफ़ी, मांगनी मीडिया में मांगो, मेरे से नहीं। मैंने कहा तुम निगम की पूरी मतलब शहर की मतलब मीडिया पे तुम कुछ और रहते हो और यहाँ के तुम कुछ और रहते हो, तो ये सब थोड़ी ना चलेगा। क्या कारण बन रहा मैडम जो इस कल तरह ये विरोध कर रही सही, है? देखो सही बात तो ये है, देवनानी जी आए थे तो उनकी बेइज्जती कराने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, पहले से ही तय था ये इनका कि इस समय जाएंगे। अगर आपको विरोध था तो आप सुबह से आते ना मेरे पास, हम तो दिन भर वहीं थे कल चौपाटी पर ही, ऐसा तो था ही नहीं कि शाम के समय गई हूँ, तो आपको ऐसा था तो कहते मेरे को आके कि आपने मैडम को फ़ोन नहीं कराया, बुलाया नहीं, आप उस वक्त ही क्यों आए सारे के सारे? विरोध करने के बाद भी कार्यक्रम अच्छा चला? हमारा तो अच्छा चला, कि कोई भी इतनी पब्लिक देखने वाली थी, पीछे से ही पूछ रहे हैं कितना शानदार प्रोग्राम हुआ। मेरे मन में अगर कोई बैर है तो वो तो वैसे ही मालूम पड़ जाएगा, मेरे मन में ऐसी कोई भावना है ही नहीं कि इसको बुलाना इसको नहीं बुलाना, मतलब तो जितने भी रहते सबको बुलाती हूँ।